मैं आशीष, मेरे यूट्यूब चैनल आशीष नॉलेज वालों में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में एक बेहतरीन कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए एक छोटा सा ब्लॉग है, आइए फटाफट बताऊं मैं आपको इसके बारे में। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है नैरोलैक का सुरक्षा, प्लस ये बाहर की दीवारों के लिए 3 साल की वारंटी वाला इमल्सन होता है, जो काफ़ी फेमस है और खूब बिकने वाला प्रोडक्ट है। नैरोलैक का कह लीजिए कि ब्लू चिप प्रोडक्ट है, जो बहुत ज़्यादा बिकने वाला इमल्सन है और पूरे भारत में सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको। ये नैरोलैक का सुरक्षा प्लस आँख मूंद करके कोई भी पेंटर या जो एक बार करवा चुका है कस्टमर, मतलब प्लांटों में कई जगह डिमांड रहती है कि हमको सुरक्षा प्लस ही चाहिए। बाहर की दीवार का अगर पेंट करवाना है तो सुरक्षा प्लस ही करवाना है। तो इतना जबान पे रट्टा हो गया है कि भैया हमको चाहिए तो नैरोलैक का सुरक्षा प्लस ही चाहिए, बाहर का पेंट सुरक्षा प्लस से ही होना चाहिए। तो आज उसी के बेस के जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो है। बेस जिसमें आप कलर अपना बनवाते हैं, बेस जो आपका मनचाहा कलर बनाता है, तो वो बेस कितने तरह के आते हैं, क्या क्या उसके दाम होते हैं और कितने वैरायटी में बनता है और मिलता है, तो आज उसी के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग है। ये बेस मतलब हो गया जो आप कलर चूज़ करते हैं बाहर की दीवारों के लिए, वो बेस में बनता है ना कि वाइट में बनता है। बेस इनके 7 तरह के आते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको पता ही है कैसा होता है, इसकी पैकिंग ऐसी आती है, इस तरह की पैकिंग आती है। ये न्यू पैकिंग है, यहाँ पे नैरोलैक सुरक्षा प्लस नया लोगो, यहाँ पे इसका बेस का नाम और पीछे इसका बारकोड होता है और पीछे इसकी MRP होती है और डिस्क्रिप्शन होता है। ये इस तरह का बेस ये आता है। बेस और वाइट के बेस में फ़र्क कुछ नहीं होता, डिब्बा सेम रहता है, बस यहाँ पे कोडिंग अलग रहती है। जैसे यहाँ पे कोड लिखा है SL4 बेस पेंट, तो बेस आपके ऐसे ही मिलते हैं जिसमें डिब्बे सेम रहते हैं वाइट, और उसके उसके बस कोड अलग होते हैं उसमें। तो ये आपका बेस हर कोड का मिल जाएगा और हर पैकिंग में मिल जाता है। जैसे इसकी पैकिंग, बेस की पैकिंग लगभग 1 लीटर नहीं होती, वो 950 ml, 900 ml की पैकिंग आती है। 4 लीटर की लगभग 3.80, मतलब 3 लीटर 800 ml आती है। 10 लीटर में भी लगभग 9.9 लीटर ही आता है। 20 लीटर में 0.8, 0.18, 0.5 होता है, मतलब टोटल 1.5 लीटर होता है। मतलब बेस में मटेरियल कम होता है क्योंकि उसमें कलरेंट पड़ते हैं, तो मटेरियल बढ़ जाता है। कलरेंट कितना पड़ना है, किसी में 400 ml गिरता है, किसी में 200 ml गिरता है, तो इसीलिए बेस मटेरियल वाइट से कम होता है, वाइट के मटेरियल से बेस में मटेरियल कम आता है। अब इसको सीधे तौर पे 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर पैक में ही कंपनी देती है। जब आप दुकान वालों से लेंगे तो वो बेस में कलर बना के देंगे, तो वो 1 लीटर, 4 लीटर, 20 लीटर के ही रेट से आपसे पैसा वो लेते हैं, और उतना जो कलर गिरता है उसका पैसा अलग से लेते हैं। मतलब बेस का दाम और जो कलरेंट कॉस्ट उसमें गिरता है उसका दाम आपको देना पड़ता है। तो इसकी पैकिंग ऐसे आती है। इसका कवरेज एरिया 1 लीटर में लगभग ये 70 से 80 स्क्वायर फिट कवर कर लेता है। 2 कोट में 2 कोट आराम से कवर कर लेता है, और जो भी कलर आप बनवाएंगे, जैसे डार्क कलर बनवाएंगे तो वहाँ पे पानी की मात्रा कम मिलती है डार्क कलर में। इसमें पानी आपको पर 1 लीटर में 700 से 750 ml पानी ऐड करना होता है, और जो डार्क शेड होता है उसमें 400 से 500 ml ही पानी मिक्स किया जाता है। इसका सेल्फ लाइफ कंपनी बेस्ट बिफोर बताती है, जब से मैन्युफैक्चरिंग होता है तो 3.5 से 4 साल आराम से चलता है। इसका खुद की लाइफ
कंपनी 3 साल बताती है, जहाँ पे भी इसको करवाएंगे बाहर की दीवारों पे एक्सटीरियर एरिया पे, तो वहाँ पे ये 3 साल कंपनी बोलती है, मगर ये मटेरियल आराम से 4 से 5 साल खूब बेहतरीन चलता है। अब बात करते हैं इसमें बेस कौन कौन से आते हैं, तो इसमें बेस मैं आपको बता दूँ, बेस इसमें टोटल 7 तरह के आते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10। बेस का नाम है SL1, SL2, SL3, SL4, SL6, SL7 और SL10। SL10 जो है पीले रंग का होता है, वो पीले रंग का बेस होता है, उसमें जो भी आपको कलर बनवाना हो जैसे ऑरेंज कलर और डार्क रेड कलर और डार्क पिस्ता ग्रीन टाइप का बनवाना है तो वो SL10 में बनता है। SL7 में आपका जो डार्क शेड होते हैं जैसे चॉकलेट कलर हो गया, डार्क ब्लू कलर हो गया, मतलब ये सब सेट SL7 में बनता है। SL6 में आपका डार्क शेड ही होता है, जिसमें आपका काही कलर हो गया, चॉकलेटी टाइप का कलर हो गया, मतलब जब उसमें कोड आप पसंद करेंगे तो उसमें बेस मांगता है। उसके बाद फिर SL4 लगता है, SL4 में आपके लगभग हल्के दानी टाइप के और लाइट जो है लाइट सेट और डार्क सेट दोनों इसमें SL4 में बन जाता है। SL3 में क्रीमी टाइप का और थोड़ा सा टेरा कोटा टाइप का SL3 में बनता है। SL2 में आपके क्रीम, लाइट पिंक, लाइट ऑरेंज, मतलब ये सब कलर बनता है। SL1 में एकदम लाइट सेट बनता है, जैसे आपका थोड़ा सा एकदम लाइट पिंक एकदम हो गया, या फिर बादामी कलर हो गया, या फिर हल्का लाइट आसमानी कलर हो गया, मतलब 1 में सबसे लाइट सेट बनता है। 1 का दाम इसका 288 रुपये का आता है, SL1 का सुरक्षा प्लस के SL1 का दाम 288 रुपये का आता है, SL2 का भी दाम 288 रुपये का आता है, SL3 का दाम 274 रुपये का आता है, SL4 का दाम लगभग 268 रुपये का आता है, SL6 का दाम 294 रुपये का आता है, SL7 का दाम 288 रुपये का आता है और SL10 का दाम 298 रुपये का आता है। ये SL10 इसलिए 10-20 रुपये महंगा होता है क्योंकि ये पीला बेस होता है, ये इसीलिए थोड़ा सा कॉस्ट इसका महंगा पड़ता है। जो भी मनचाहा कलर बनवा लीजिए वो बन जाता है। लगभग कंपनी इसको अप्रूव करती है 2000 से 2500 कलर इसमें आराम से बन जाते हैं कैटलॉग से देख करके। बेस की जानकारी थी एक छोटी सी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को एक मोटिवेशन चैनल बताएं कि भैया एक चैनल ऐसा भी है जिसमें पेंट से रिलेटिव सारी जानकारी मिलती है, तो वो चैनल हमारा है और हमारे चैनल को ज़रूर देखें, उनको शेयर करें, उनको बताएं।